सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी विद निगार को, लेटेस्ट वीडियोस और ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निगार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ एक इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए शेयर कर रही हूँ एक ऐसी फेशियल गोटी जिसको आप इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी पार्टी में, मैरिज में, फंक्शन में जाना है या फिर आप अपने चेहरे पे चाहते हैं नेचुरल ग्लो चाहते हैं, फेशियल वाला निखार चाहते हैं, तो इंस्टेंटली आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपकी चेहरे पे एक नया ग्लो, आपको फेशियल वाला ग्लो मिलेगा। इस वक्त गाइस चल रही है विंटर और विंटर में मैरिज और पार्टीज के फंक्शन के हमारे घर इनविटेशन आने लगते हैं, तो जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो है हमारा चेहरा। चेहरा जब हमारा अच्छा होता है, कुछ भी मेकअप हम अप्लाई कर ले, अच्छा लगने लगता है। ऐसे में ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम तुरंत जाके पार्लर चले जाएं और फेशियल कराने लगे, भाई घर पर ही हमको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। तो घर पर जो आज आपके साथ बेस्ट एक होम मेड ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ मैं, इस ट्रीटमेंट को आप एक बार ज़रूर करना जब आपको कहीं जाना हो, और इसको आप डेली भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि मैंने आज आपके साथ एक हेल्पफुल वीडियो शेयर किया है, आपको इससे हेल्प मिली है या वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आपने खूबसूरत से थंब के साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल बटन को प्रेस करके मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए और इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि ये फेशियल गोटी हमें किस तरह से बनानी है। इस फेशियल गोटी को बनाने के लिए गाइस यहाँ पे ये कुछ टुकड़े मेरे पास हैं सोप बेस के। अगर आपके पास सोप बेस नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बता दूंगी कि इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं। हमें सोप बेस को ग्रेट कर लेना है। ये सोप बेस आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। सोप बेस सर्च करेंगे तो आपको सोप बेस बहुत सारे मिल जाएंगे। इन सारे ही क्यूब्स को मैं ग्रेट कर ले रही हूँ स्टेनर की हेल्प से। और अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। यहाँ पे एक बर्तन में आपको पानी डाल लेना है भरकर, ठीक है। कोई भी भगोना हो आपके घर में, कोई भी बर्तन हो, उसमें आप पानी भर लीजिए। और बीच में जो बाउल है हमारा, इसको हम बीच में रख देंगे। डबल बॉयलर की हेल्प से हम इसको मेल्ट करना है। डायरेक्टली हमें इसे हीट पे गर्म नहीं करना है क्योंकि ये हमारा जो सोप बेस है वो जल जाएगा। तो बीच में आप इस तरह से रख दीजिए पानी भरकर और इसको हमें मेल्ट कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा सोप बेस अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इस सोप बेस में हमें जल्दी जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गाइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि अगर आपकी स्किन सैग हो चुकी है, ढीली हो चुकी है, मुरझाई है आपकी स्किन, चेहरे पे ग्लो नहीं है या फिर आपकी स्किन पे टैनिंग है और इंस्टेंटली आप अपने चेहरे को ग्लोई और शाइनी बनाना चाहती हैं, तो नारियल तेल बहुत अच्छा होता है उसके लिए। 2 टीस्पून नारियल तेल हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर हम 2 टीस्पून भर कर ग्लिसरीन भी इसमें डालेंगे। ग्लिसरीन हमारे चेहरे के मॉइस्चर को लॉक करती है, चेहरे को सॉफ्ट और सबल बनाती है और चेहरे को एक चमक भी प्रोवाइड करती है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन डाल दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर चंदन पाउडर। चंदन पाउडर स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम वाइटनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है चंदन पाउडर। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें चंदन पाउडर डाल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें 1 टीस्पून रोज़ पीटल पाउडर डाल रही हूँ, यानी सूखी गुलाब की पत्तियों का पाउडर। अगर आपके पास सूखी गुलाब की पत्तियाँ नहीं हैं तो उसकी जगह आप ताज़ी गुलाब की पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं। पीस लीजिए और पेस्ट बनाकर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे 1 पिंच वाइल्ड टर्मरिक यानी कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी का भी यूज़ कर सकती हैं। हल्दी गाइस हमारी
कलर को फेयर करने में हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा दाग धब्बे, दाने, मुहासे, जो निशान हमारे चेहरे पे इनके रह जाते हैं, उनको ये रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है और चेहरे को इम्प्योरिटीज़ से बचाती है, चेहरे की डार्कनेस को कम करती है और कील मुहासे के निशान आने लगे हैं तो उनको भी ये दूर करती है, उनको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। लास्ट पे यहाँ पे कुछ रेशे मैं ले रही हूँ, कुछ पत्तियाँ ले रही हूँ केसर की। केसर हमारी रंगत को बहुत अच्छी तरह से वाइटन अप करती है, चेहरे के ग्लो को बढ़ाती है, चेहरे को एक पिंकिश ग्लो देती है और इससे हमारा चेहरा का जो कलर है वो बहुत बेहतर हो जाता है, यानी स्किन वाइटनिंग के लिए केसर बहुत अच्छी होती है। 1 pinch हमने इसमें केसर ऐड कर ली है और इन सारी चीज़ों को अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गाइस। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से हमारे ये मिक्स हो जाने चाहिए। सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं गाइस। अब मेरे पास ये प्लास्टिक की कटोरी है, ठीक है, जिसमें मैं इस साबुन को सेट करने के लिए रखूँगी। अब हमें करना क्या है, आपके पास जो भी कटोरी है, जो भी बाउल है, जिसमें भी आप इसको सेट करने के लिए रखना चाहती हैं तो आप वो ले लीजिए। और यहाँ पे मैं ये प्लास्टिक का ये कप है मेरे पास, इसमें मैं इसको सेट करने के लिए रखूँगी। पूरा जितना भी है ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको आपको सेट होने के लिए चाहे तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे और जल्दी से हमारा ये सेट हो जाएगा। तो मैंने गाइज इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। लगभग आधे घंटे के बाद ही हमारा पूरा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हमें ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करना है और ये आप देखिए, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी फेशियल गोटी बनकर तैयार है, जो बहुत ही इंस्टेंटली वाइटनिंग के लिए होगी और इंस्टेंटली आपके फेस को ग्लो देगी। इसके अलावा चेहरे के कलर को ब्राइटन अप करेगी और चेहरे पे एक फेशियल वाला निखार लेकर आएगी। इसको लगाने का तरीका ये है कि गाइस की सबसे पहले आप अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी से और उसके बाद इस फेशियल गोटी को लेकर सर्कल में, यानी राउंड राउंड आपको सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। जेंटली इससे आपकी फेस की स्क्रबिंग भी हो जाएगी और चेहरे की जो डेड लेयर्स हैं वो भी निकल जाएंगी और इंस्टेंटली आपका चेहरा जो है वाइटन अप और लाइटन अप भी होगा, फेशियल वाला ग्लो मिलेगा और ये फेशियल गोटी इंस्टेंटली आपकी स्किन को बहुत ही प्यारा सा ग्लो प्रोवाइड करेगी, शाइन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपके चेहरे की लाइटनिंग हो जाएगी और चेहरे पे इंस्टेंटली आपके फेयरनेस भी नज़र आएगी। थोड़ा सा अमाउंट लेने के बाद इस तरह से आपको अपने हैंड से सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करना है गाइस और ये मसाज आपको लगभग 2 मिनट के लिए करते रहना है। 2 मिनट के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। चेहरे पे मेरे एक अलग सा आपको ग्लो दिख रहा होगा, इंस्टेंटली मेरी स्किन वाइटन अप हो गई है और चेहरे की लाइटनिंग भी हो गई है और चेहरे का जो ग्लो है वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, मतलब चेहरा इंस्टेंटली वाइटन अप हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा ये फेशियल इफेक्ट देगा आपको आपके चेहरे पे, इंस्टेंटली आपकी स्किन वाइटन अप और ब्राइटन अप भी होगी और ऐसा लगेगा कि कुछ स्पेशल सा आपने अपने चेहरे को ट्रीटमेंट ज़रूर दिया है। इसको करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र आप ले लें और अपनी पूरी स्किन पे आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फेशियल गोटी है, सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को निकालती हैं, चेहरे के ग्लो को बढ़ाती हैं। चेहरे पे अगर आपके जो है डलनेस है, आपका कलर फेयर नहीं है, सांवली रंगत है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका, अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ या फिर दाग धब्बे हैं तो वो भी आपके इससे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टेंटली आपको मेरे चेहरे पे ब्राइटनिंग इफेक्ट दिख रहा होगा, ग्लो दिख रहा होगा और ये आप करके एक बार ज़रूर देखना। बस अब जब आप बनाएं इसको तो इसका रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और सब कुछ आपके आपके किचन में ही मिलने वाला है, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी गाइस, आपको इंस्टेंटली आप बहुत ही प्यारा सा ये फेशियल गोटी बना सकते हैं अपने घर पर इंस्टेंटली वाइटनिंग के लिए। और कहीं आप जा रहे हैं पार्टी में, मैरिज में, फंक्शन में, तो इसका यूज़ आप ज़रूर करें। एक बार मैजिकल ग्लो आपको दिखेगा अपने चेहरे पर और इंस्टेंट वाइटनिंग के साथ ही साथ चेहरे को एक फेशियल वाला ग्लो मिलेगा,
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ और देखने के लिए। तो जहाँ पे भी आप एक्टिव रहते हैं गाइस, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, वहाँ पे प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के लिंक को शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।